नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी बिहार न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीसरा चरण का परिणाम घोषित होने के बाद जीते प्रत्याशी काफी खुश और उत्साहित नजर आए। उनके समर्थकों जिंदाबाद का नारा लगाते दिखे। अपने नवनिर्वाचित मुखिया को मतगणना केंद्र से बाहर निकलते ही फूल मालाओं से लाद दिया। जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड स्थित मुरहाड़ा पंचायत से मुखिया पद से अनीता देवी भारी बहुमत से जीतने के बाद एजीटीवी बिहार न्यूज से बताया कि पंचायत के जनता की जीत है और पंचायत वासियों को धन्यवाद दिया। वहीं मुखियापति राम नरेश यादव जीत का श्रेय पंचायत वासियों और युवाओं को दिया। पंचायत में विकास को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुरहाड़ा पंचायत को कहना चाहते हैं कि सभी पंचायत के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं मुरहाड़ा पंचायत के सभी मतदाता गण को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इतनी सारी भारी मतों से विजय दिलाए हैं। मैं सभी मुरहाड़ा पंचायत के वासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसका श्रेय आप किसे देते हैं? आप जीते हैं, इसका श्रेय आप किन्हें देंगे? इन जो मैं इस चुनाव में पद में जीत मुखिया पद में जीता हूँ, इसका श्रेय सीधे डायरेक्ट युवा नौजवान साथियों को देता हूँ, मुरहाड़ा पंचायत वासियों को देता हूँ। मेरा सबसे पहली प्राथमिकता होगा कि रोड का नली गली और शिक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए तटस्थ रहूँगा। आपने चुनावी मुद्दा जो रखा था, आपने बहुत लंबी लंबी वादा किया था, क्या लग रहा है उस पर कितना खरा उतरिएगा? मैं अपनी जो वादा, जितने सारे वादा जो समाज के बीच में रखा है, उस पर 100% मैं काबिज करूंगा। जी, आप मुरहाड़ा पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जीत चुके हैं। मैं मुरहाड़ा पंचायत के सभी वासियों को यह संदेश देता हूँ कि सभी लोग एकजुट और शांति सद्भावना से रहें और मैं मुरहाड़ा पंचायत में कार्य को जो बहुत तेज़ी से आय को बढ़ाएंगे, जिसमें सारी जनताओं को सहयोग लेकर और हर एक वार्ड में हर एक कार्य को सही रूप से किया जाएगा।